इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया की सेंट्रलाइज्ड नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो आपको डिग्री डिस्टेंस लर्निंग के फॉर्म में देती है। कुछ एक आध दो कोर्सेज को छोड़ के जहां रेगुलर पढ़ाई कराई जाती है उनको छोड़ दिया जाए तो सारे यहां पर डिग्री डिस्टेंस मोड में मिलते हैं। तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं और जो लेने वाले हैं उनको हमेशा एक डाउट होता है और किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में ये सवाल आएगा ही आएगा कि सर इसकी डिग्री कितनी वैलिड है। सिंस मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये कह दूं कि ये डिग्री इतनी वैलिड है वो बात जायज नहीं होगी, तो मैंने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है इग्नू के रिगार्डिंग उसको मैंने इसमें अटैच कर दिया है। वीडियो में एडमिशन प्रोसीजर बाकी की सारी बातें बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि डिग्री कितना वैलिड है, क्या इस वीडियो को देखना भी वर्थ है कि नहीं है। तो देखिए गाइस, इग्नू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत स्टेबलाइज किया गया था। कहने का मतलब है पार्लियामेंट में लॉ पास करके स्टेबलाइज किया गया था। तो अब सवाल आता है कि डिग्री कितनी वैलिड है। देखिए डिग्री के रिगार्डिंग सब चीजें मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन ये देखिए ये भारत सरकार का नोटिस है, नोटिस आपको इग्नू के प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा और या फिर शायद इग्नू की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो। बाकी का मैंने एचआरडी मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड किया, ये वहां भी अवेलेबल है एचआरडी मिनिस्ट्री पर भी। देखिए गाइस सबसे पहले समझने की जरूरत है 1985 में जब ये एक्ट पास हुआ तो देखिए सब्जेक्ट का नोटिस है क्या, रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री डिप्लोमास अवार्डेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो यहाँ लिखा हुआ कि द सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास और डिग्री अवार्डेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटीज आर टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू द करस्पॉन्डिंग अवार्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। और ये देखिए यहाँ पर नीचे सेक्रेटरी का सिग्नेचर है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी अराइज ही नहीं होना चाहिए कि इग्नू की डिग्री कितनी वैलिड है। पूरा पूरा वैलिड है, 100% वैलिड है। किसी भी एग्जाम में किसी भी सरकारी संस्था में आपके इग्नू की डिग्री पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। अब देखिए 2013 में कुछ प्रॉब्लम आई डिग्री को लेकर। अब वो प्रॉब्लम क्यों आई गाइस, देखिए हुआ क्या, कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जहां पर प्रैक्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, कुछ एक दो सर्टिफिकेट कोर्सेज थे। तो वहां सरकार ने ये कहा कि अगर इनका लैब हो रहा है मान लो बीटेक वाला और ये डिस्टेंस से डिप्लोमा और बीटेक देने लगे, और डिप्लोमा और बीटेक ही नहीं जैसे एमबीए हो गया कुछ हो गया जहां लैब वगैरह जहां कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जैसे बीएड वगैरह हो गया, तो उसको तो डिस्टेंस बोर्ड में नहीं दिया जा सकता है। तो बस ये प्रोविजन जब लोगों के दिमाग में डाउट आया सर्टिफिकेट को लेके, तो वो प्रोविजन केवल कुछ गिने चुने कोर्सेज के लिए, उसमें भी सरकार ने क्या किया कि बाद में एक नियम बना दिया कि देखिए यहां पर रहेगा एक स्टडी सेंटर और अगर बीटेक भी आप इग्नू से, मतलब बीटेक नहीं कहूंगा मैं, मान लो आपको डिप्लोमा भी कर रहे हो आप इग्नू से क्योंकि उसमें बहुत सारे लैब होते, तो मान लो कोई डिप्लोमा वाला लड़का है और वो क्या करेगा कि इग्नू ने जो लैब का सेंटर अलॉट कर दिया और कह दिया कि हफ्ते में महीने में सॉरी एक साल में 10 लैब कंपलसरी आपको आना है और आपने ये 10 लैब अटेंड कर लिया, तो आपकी डिग्री किसी भी फॉर्म में किसी भी यूनिवर्सिटी, दूसरे यूनिवर्सिटी जो रेगुलर मोड में जिसने क्लासेस कर रखा उसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि इग्नू की सारी डिग्री जिसमें लैब भी होता है वो भी डिग्री सभी अन्य डिग्रियों के बराबर है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया कि देखिए यूजीसी का ऑफिस बहादुर शाह जफर मार्ग का जो है यूजीसी का, तो वहां पर देखिए इस बात को फिर से क्लैरिफाई किया 2013 में कि जो है इक्विवेलेंस ऑफ डिग्रीज अवार्डेड बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन एट पार विद कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन। और देखिए उसी नोटिस को इन्होंने यहां पर देखिए 1992 में जो नोटिस था 1993 के नोटिस को उसी को सरकार ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, इसमें इस बात को अटैच कर दिया गया है और सारे सेक्रेटरीज को फॉरवर्ड करना है। द पॉइंट इज मैं बस यहां एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि डिग्री पूरी पूरी वैलिड है, इसमें तो कोई सवाल आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपसे कोई कहता है कि ये नहीं वैलिड है, बिलीव मी जो कोई भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। गलत इसलिए कह रहा है कि देखिए गाइस, देखिए पहले तो ये डिग्री भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, दूसरा क्या है कि उसमें कुछ टेक्निकल वाले जो डिग्रीज है वहां पर भी सरकार ने लैब की फैसिलिटीज बना दी है, वहां जाके आप लैब अटेंड कर लेते हैं तो वो डिग्री भी पूरी पूरी कंप्लीट है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहा है, तो अब लाइब्रेरी साइंस में होता क्या है कि पूरे साल आपको क्लास नहीं करना होगा, सरकार क्या कर रही है, मतलब यूनिवर्सिटी क्या करती है कि नियम बना देगी एक साल में आपको 6 लैब करना कंपलसरी है और उस पूरे दिन आपको आके लैब करना होगा और कोई एक संडे के दिन रहेगा जो आपको 6 दिन जाना होगा पूरा।
तो इससे क्या होगा कि आप घर बैठे बैठे डिस्टेंस एजुकेशन जो ले लोगे और लैब वाला हिस्सा आप जो है कंप्लीट कर लोगे, तो वो डिग्री पूरी पूरी हर जगह मान्य है। बाकी क्या देखिए, वो जो लड़के आपसे जो ऐसी बात करते हैं कि डिग्री नहीं वैलिड है, ये वो, उनको खुद नॉलेज नहीं होता, वो आपको ऐसी बात कर देते हैं। इनफैक्ट जब मैं खुद जो है, जब मैंने नेट वगैरह अपना, मैंने मास्टर्स इग्नू से किया था, उसके बाद मैंने नेट GRF क्लियर हुआ, तो वेरी फर्स्ट मोमेंट पे क्लियर, इग्नू की डिग्री से ही मैंने नेट GRF मैंने क्लियर कर रखा था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि उसकी वैलिडिटी बहुत, मतलब एट पार विद एनी अदर रेगुलर यूनिवर्सिटी है। तो इसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ओके, गेटिंग बैक टू अ पॉइंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको वीडियो में क्या समझना है एडमिशन के रिगार्डिंग। वैलिडिटी ऑफ डिग्री को मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब हम समझेंगे इग्नू में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, कि ये जनवरी और जुलाई साइकिल क्या है, असाइनमेंट्स का क्या करना है, और मेरी चैनल की इस पे एक मेंबरशिप दी जाती है इग्नू के रिगार्डिंग, वो कैसे लें, और वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर दिया है किसी भी एडमिशन से रिलेटेड डाउट और क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। देखिए गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि जनवरी और जुलाई साइकिल क्या, आखिरकार ये इग्नू में जनवरी और जुलाई साइकिल होता क्या। तो देखिए, इग्नू ही नहीं, इंडिया में कोई भी स्टेट रन यूनिवर्सिटी भी है, मान लीजिए किसी राज्य की भी कोई यूनिवर्सिटी है या केंद्र शासित कोई यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां एक नियम होता है। एक नियम क्या है कि किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में ना, मेजोरिटी ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी में, सब में मैं नहीं कहूंगा, मेजोरिटी ऑफ दम में साल में दो बार एडमिशन होता है। जो पहली बार इग्नू के बारे में सुन रहे होंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ साल में दो बार एडमिशन होता है, उसी एडमिशन को कहा जाता है, जब आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो उसी को ये जुलाई साइकिल कहते हैं, और जब आपका, और आपका बैच जुलाई से चल के अगले जून में आके खत्म होता है, और ये वाला जब जनवरी से शुरू होता है और ये दिसंबर में आके खत्म होता है, तो इसी को वो जनवरी साइकिल कर दिए हैं और ये जुलाई साइकिल कर दिए हैं। देखिए, जुलाई साइकिल का एडमिशन जनरली मई में शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 मई से शुरू हो जाता है और लगभग अगस्त तक चलता रहता है। तो ये एक फॉर्मेट है, ओपन यूनिवर्सिटी है। अब सवाल ये है कि सर क्या सबका एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल, इग्नू का जो इग्नू बनाया गया, भारत सरकार ने जो इग्नू को डिजाइन किया, इग्नू को डिजाइन करने का पीछे बेसिक मोटो और एजेंडा ये था, एडुकेशन फॉर ऑल। और जैसे ही सबके सर्व शिक्षा की जब बात आ जाती है, तो इसमें ये था कि भाई जो भी लोग ऐसे हैं जो अटेंड नहीं कर पाते हैं क्लास, जो महिलाएं हैं जिनको डिग्री चाहिए, जो जिनकी शादी हो गई है, या फिर जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और उनका पूरा पोटेंशियल डिग्री लेने के लिए, तो उन्हीं लोगों के लिए सब चीजें डिजाइन की गई। तो बाद में रेगुलर सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ने लगे हैं और वो भी पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली उसी पर्पज से डिजाइन किया गया है, पूरा ओवरऑल इसका प्रोस्पेक्ट डिजाइन का ही वही है। तो आप साल में दो बार एडमिशन होता है और जो है सबका एडमिशन होता है, जितने लोग फॉर्म भर देंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका एडमिशन होगा ही होगा। और डिस्टेंस बोर्ड में आपके घर बुक्स वगैरह भेज दी जाएगी, बाकी का आपको ईमेल आईडी और बाकी का आपको मेल और वेबसाइट कंटिन्यूअसली चेक करना पड़ता है अपडेट्स के लिए। अब देखिए, जनवरी साइकिल क्या है, वही चीज जो मैंने बताया है। जनवरी साइकिल में क्या होता है कि एडमिशन जनरली नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है और लगभग फरवरी तक चलता है जनवरी साइकिल का एडमिशन, और इसका एग्जाम आपको दिसंबर में होता है। तो साल में आप दो बार एडमिशन ले सकते हैं इसमें। अब देखिए, एक सवाल आता है, क्या एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं, क्या इग्नू से दो डिग्री ले सकते हैं एक साथ? गाइस, बिल्कुल नहीं, एक साथ दो बड़ी डिग्री नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप मान लो बीए कर रहे हो हिस्ट्री में और इधर आपने कर लिया कि बीए कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। या फिर मास्टर्स कर रहे हो हिस्ट्री में और इधर मास्टर्स कर रहे हो आप इकोनॉमिक्स में, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप एक डिग्री ले सकते हो और साथ में कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो सिर्फ 6 महीने का हो। एक डिग्री के साथ दो डिग्री नहीं ले सकते हो, एक डिग्री के साथ सिर्फ एक आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो 6 महीने का हो, जो सर्टिफिकेट हो। उदाहरण के तौर पे आपने एक डिग्री ले लिया, अब मान लो आप MA कर रहे हो या फिर मान लो आप BA कर रहे हो, उसके साथ आप क्या कर सकते हो कि 6 महीने की एक डिग्री ले सकते हो, और 6 महीने का सॉरी एक सर्टिफिकेट ले सकते हो। कोई भी सर्टिफिकेट कैसा, मान लो कोई सर्टिफिकेट जैसे लाइब्रेरी साइंस है उसका एक सर्टिफिकेट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फिर उसी तरह इन्होंने और सर्टिफिकेट्स बना रखे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल और अलग अलग तरीके का, 6-6 महीने के सर्टिफिकेट्स हैं, और उस तरह के आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। साथ में कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ले सकते हो आप साथ में, तो इस तरीके का इन्होंने बना रखा है। अच्छा, अब देखिए, इग्नू एक बहुत बड़ी सहूलियत क्या देता है, मान लो आपने एडमिशन लिया दिल्ली में, कल को आप चले गए कहां, भोपाल में,
तो आपने एक साल दिल्ली में पढ़ा, फिर आप अगले साल एप्लीकेशन देके अपना सेंटर भोपाल ट्रांसफर कर सकते हो, फिर आप भोपाल जाके पढ़ सकते हो। तो ये आप कहीं भी हो, तो जहां भी स्टडी सेंटर हो, ट्रांसफर करने की फैसिलिटी इग्नू में हमेशा रहती है। अच्छा, अब सवाल आता है कि आप मान लीजिए आपने इग्नू ज्वाइन कर लिया, क्योंकि देखिए इग्नू में ये सब बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए सब सवाल बहुत मायने रखता है। तो अब उनके दिमाग में आता है कि सर मान लो मैंने जुलाई साइकिल में एडमिशन लिया और मैं जुलाई में पेपर नहीं दे पाया, तो कहीं मेरा एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कैंसिल होगा, आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं कैंसिल किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर ये क्या करते हैं, इग्नू मान लीजिए कोई डिग्री 2 साल की है, तो मिनिमम एक इग्नू फिक्स कर देता है कि मिनिमम आप 2 साल में कर सकते हैं, अधिकतम 5 साल में, मतलब कि फेल होते हुए बैक लगाते हुए 5 साल के अंदर आपको डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। तो ये सब चीजें इग्नू सहूलियत देता है, और बाकी का स्कॉलरशिप भी इसमें मिलता है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है इग्नू में। और इग्नू की फीस ही बहुत कम है, 6-7 हज़ार रुपए फीस ही है, मेरा तो ये कहना आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज स्कॉलरशिप के लिए मत अप्लाई करिएगा। अच्छा देखिए एक चीज और है, कुछ ऐसे कोर्सेज, अब देखिए मान लीजिए बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, बहुत सारे और कोर्सेज हैं, तो वो क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अब हर जगह तो होगा नहीं, अब हर जिले में तो होगा नहीं। मान लो आप मध्य प्रदेश के हो, तो आप सोच रहे हो कि छिंदवाड़ा में हो, आप मान लो उत्तर प्रदेश के हो, आप सोच रहे हो कि कुशीनगर में ऐसा हो, बिहार के हो सोच रहे हो अररिया में हो, तो पता चलेगा वहां स्टडी सेंटर नहीं है इग्नू का। तो इग्नू क्या करता है ना, हर स्टेट में उसका कम से कम 4-6 या 2-3 रीजनल सेंटर होगा। अब मान लीजिए आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के हो, तो पता चलेगा आपको भोपाल में और जबलपुर में आपको सेंटर दे रखा है, बिहार में हो तो पता चलेगा पटना में दे रखा है और बेगूसराय में दे रखा है, कुछ मतलब इस तरह एक दो बड़े शहर वो इंक्लूड कर देते हैं। मान लो आप यूपी के हो तो पता चलेगा इधर गोरखपुर में, लखनऊ में और गाजियाबाद में, कुछ इस तरह कानपुर में, इस तरह करके वो दे रखा है। तो पढ़ाई आप पूरा घर बैठ के करोगे, बाकी कभी लैब की बात आई तो आपको साल में 1 या 2 बार वहां एक दिन पर्टिकुलर दिन जाना पड़ सकता है अटेंड करके अपना अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए। अच्छा देखिए एक बार आपका एडमिशन हो गया, देखिए आप आज आप फॉर्म फिल करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन का कंफर्मेशन भेजती है, अगर आपके कागज में कोई दिक्कत और एडमिशन नहीं हुआ तब तो आपका फी रिफंड हो जाएगा। और एक बार यूनिवर्सिटी ने एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया और आप एडमिट हो गए तो फिर आपका फी रिफंड नहीं होगा। देखिए एक चीज और, इग्नू के जितने भी लोग होते हैं ना, इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी रेगुलर वाले हैं उनको लगेगा कि असाइनमेंट की ऐसी क्या बात आ गई कि वीडियो में इंक्लूड किया जा रहा है। देखिए गाइस असाइनमेंट्स इग्नू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या, साल भर क्लासेस तो आपको जानी नहीं होती है, रेगुलर क्लासेस तो होती नहीं है, तो असाइनमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो जुलाई साइकिल वाले लोग होते हैं, मान लीजिए कोई मान लीजिए जुलाई 2015 में एडमिशन लिया, मान लीजिए कोई बच्चा जुलाई 2015 में एडमिशन लिया, तो क्या होगा 31 मार्च जुलाई 2016 तक उसको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। वैसे ही जनवरी साइकिल वाला, जब वो जनवरी में एडमिशन लेता है तो उसी साल 30 सितंबर तक उसको अपना असाइनमेंट सबमिट करना रहता है। असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना होता है, जो भी आपका रीजनल स्टडी सेंटर आपके एरिया में अलॉट होगा वहां आप जाएंगे, हर सब्जेक्ट का एक कोऑर्डिनेटर बैठा होता है वहां पर, उस कोऑर्डिनेटर को आप दे देंगे और वो आपको साथ में एक रिसिप्ट दे देगा या जो भी मार्क्स वगैरह है, जो भी वो देखेगा असाइनमेंट देखेगा तुरंत चेक करके आपको वापस कर देगा, वो सब चीजें आपको करेगा। अब देखिए गाइस इग्नू में एडमिशन लेने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को, आज आपने इग्नू में एडमिशन लिया तो होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम, एक ऐसा तबका होता है जो महिलाएं होती हैं, शादीशुदा हैं, बहुत सी गर्भवती महिलाएं रहती हैं, अलग अलग उनको समस्या रहती है, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो जॉब करना है ये है लेकिन डिग्री चाहिए वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी वगैरह करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उससे तैयारी करते हैं और डिग्री इग्नू से ले लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नहीं एडमिशन हो पाता तो वो इग्नू से एडमिशन ले लेते हैं। देखिए जो इग्नू से एडमिशन ले लेते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सैटरडे संडे को क्लास अटेंड करते हैं। अगर आप सैटरडे संडे को क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, आप नहीं जा सकते हैं, आप इन तीनों कैटेगरी में आते हैं कि भैया आपको कॉम्पिटेटिव की तैयारी करनी है, कोई जॉब वाला है, महिलाएं हैं उनको अलग प्रॉब्लम है, तो अगर आप नहीं आ सकते हैं ना तो होता क्या, देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, इग्नू है एक डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट, तो डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट में क्या प्रॉब्लम होता है, इंफॉर्मेशन आपके पास तो आएगा नहीं, मतलब इग्नू आपको मेल करेगा, इग्नू अपने वेबसाइट पर डाल देगा, लेकिन आपको तो पता चलेगा नहीं कि आपको वेबसाइट कब विजिट करनी है, तो
होता क्या है कि आप अपडेट्स मिस कर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर क्या होता है, अब मान लो इस साल जुलाई में कोई एडमिशन लेता है, मान लो ये 2019 चल रहा है, मान लो 2018 हो 19 हो, मान लो 2019 में इस साल कोई एडमिशन लेता है, तो जब वो एडमिशन लेगा तो इग्नू क्या करता है, देखिए अन्य कॉलेजों में क्या होता है, आप जुलाई में एडमिशन लिए, आप फीस दिए, कॉलेज में पूरा साल भर पढ़े, जब पास होके आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो तब आप जाके फीस दोगे। इग्नू में ऐसा नहीं है, इग्नू में आप होता क्या है कि अभी आप एग्जाम दिए नहीं है कि उससे पहले ही आपको सेकेंड ईयर का फीस दे देना होता है। रीजन, किसी को बैग लगा के फर्स्ट ईयर में तो रखा नहीं जाता है, ओपन यूनिवर्सिटी है, सब एडमिशन आपका हो गया, सब्जेक्ट आपको जब मन करे तब पास करो, आप सेकेंड ईयर में जाओगे ही जाओगे। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है ना, स्टूडेंट्स को एक बार अपडेट नहीं मिल पाता तो वो पता चलेगा कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो सोचेंगे अच्छा पहले तो एग्जाम देंगे तब सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो होगा क्या, आप नहीं रजिस्टर करोगे, मान लो जुलाई साइकिल वाले हो और अगले जुलाई साइकिल में नहीं फिर से रजिस्ट्रेशन किया, तो तुम्हारा 6 महीने सेमेस्टर लैप्स हो जाएगा, एक तरह से तुम्हारा डिग्री फिर 6 महीने लेट आएगी। फिर होगा क्या, जब जनवरी साइकिल वालों का एडमिशन होगा तो उसके साथ तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मैंने एक उदाहरण लिया है अपडेट के रिगार्डिंग, अगर आप अपडेट मिस कर जाओ तो क्या होगा। उसी अपडेट के इस तरीके के सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए दिल्ली बाइट्स क्या किया है, इस चैनल पे क्या किया है, हमारी एक मेंबरशिप फीस है 351 रुपीज की। अभी वीडियो के एंड में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर लिख के भेज सकते हैं मेंबरशिप 351। जब आप ये लिख के भेजते हैं तो इसमें आपको क्या किया जाएगा कि आपको चैनल की मेंबरशिप दे दी जाएगी। उसमें क्या होगा कि एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, कैसे एडमिशन लेना है, ये सब बातें पर्सनल चैट हेल्पलाइन पर, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बात करवा दिया जाएगा कि इग्नू में एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये मेंबरशिप क्यों दी गई है आगे समझिए, आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताया जाएगा कि देखो भाई एग्जाम का फॉर्म निकल गया है, एग्जाम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जैसे मान लीजिए इग्नू में मान लीजिए आपके एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देने से पहले जो होगा क्या, एक एक सब्जेक्ट का 150 रुपए फीस रहता है, तो एग्जाम फी डिपॉजिट करना है तो आपको एग्जाम फीस बता दिया जाएगा, देखिए भाई आप एग्जाम फीस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, नेक्स्ट ईयर का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो सारे अपडेट्स, कोई नोटिस आएगा, कुछ भी आएगा, सब कुछ आएगा। और तो और उसमें हम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी देते हैं, जब आप 351 रुपीज की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको फ्री असाइनमेंट भी दिया जाएगा उसमें 351 रुपीज में। बस असाइनमेंट के पीछे एक टर्म कंडीशन है, वो टर्म कंडीशन ये है कि मान लीजिए 31 मार्च को असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट होती है जुलाई साइकिल वालों की, और 30 सितंबर लास्ट डेट होता है असाइनमेंट सबमिट करने की जनवरी साइकिल वालों की। तो अब ये नहीं कि असाइनमेंट सबमिट करने का डेट है 31 मार्च तो आप मेरे पास जनवरी में चले आए, सर असाइनमेंट दे दो, इसका 30 सितंबर में है तो मेरे पास हमसे आप जुलाई में मांगने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस मेंबरशिप पे होगा क्या, असाइनमेंट का अगर लास्ट डेट आपका 30 मार्च है तो हम आपको 25 दिन पहले असाइनमेंट देंगे, 30 मार्च है तो 5 मार्च को आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा। ऐसे ही सितंबर में है तो 5 सितंबर, मान लो 30 सितंबर लास्ट डेट, तो 5 सितंबर को आपको क्या किया जाएगा, असाइनमेंट दे दिया जाएगा सारा का सारा, आपको व्हाट्सएप या ईमेल जिस भी माध्यम से आपको सारा का सारा असाइनमेंट दे दिया जाएगा। अब उसमें देखिए क्या है, सारा का सारा असाइनमेंट तो दे दिया जाएगा 25 दिन पहले, वो जनरली होगा कि हम उससे पहले ही दे देंगे, लेकिन देखिए जो हमारा काम है वो मतलब ठीक है, मतलब उसकी एक अहमियत होनी चाहिए, तो इसलिए वो 25 डेज हमने अपने लिए सेफ साइड ले रखा है। बेसिकली है कि दे हम पहले ही देंगे लेकिन 25 दिन तो मिनिमम हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए गाइस होता क्या है, ये असाइनमेंट्स हमें भी लिखवाने पड़ते हैं एक्सपर्ट से, नई एक्सपर्ट से लिखवाने पड़ेंगे तो हमें अवेलेबल कराने पड़ेंगे, क्योंकि इग्नू में मान लीजिए 100-150 कोर्सेज हैं, आप जितने मेंबरशिप लेंगे तो उस हिसाब से हमको सारे असाइनमेंट अवेलेबल कराने पड़ेंगे। बाकी का मैं ये बता दूं, ये जो 351 रुपीज जो मेंबरशिप फीस है, कोई भी बच्चा जो लाइब्रेरी साइंस का है, लाइब्रेरी साइंस के बच्चे के लिए ये फीस 651 रुपीज है, लाइब्रेरी साइंस के बच्चों के लिए ये फीस 651 रुपीज के लिए। और कोई भी ऐसा बच्चा जो इग्नू से मास्टर्स कर रहा है हिस्ट्री में, उसको असाइनमेंट मेंबरशिप में नहीं दी जाएगी, उसके लिए मेंबरशिप फीस जो है सिर्फ 251 रुपीज है और उसको असाइनमेंट नहीं दी जाएगी। और गाइज एक चीज और, अगर आपको असाइनमेंट नहीं लेना है और आपको सिर्फ मेंबरशिप लेना है, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे असाइनमेंट नहीं लेना,
ये असाइनमेंट नहीं लेना है, मुझे सिर्फ अपडेट चाहिए, सिर्फ अपडेट और तमाम मैसेज और कॉल पे बात करने के लिए, क्योंकि देखिए इसमें पर्सनल एक आदमी रखना पड़ता है आपके हेल्प के लिए कि पूरा इग्नू के रिगार्डिंग आपको एडमिशन प्रोसीजर वो समझा पाए। तो उसकी एक फीस है गाइस और वो लगेगी ही लगेगी। तो 251 रुपीज आप मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी में आप 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे और तो आपको सारे असाइनमेंट भी दे दिया जाएगा। बाकी का जो MHI वाले हैं उनको जो है मेंबरशिप फीस उनकी सिर्फ 251 रुपीज है और उनको असाइनमेंट लेना पड़ेगा 125 रुपीज पर सब्जेक्ट। और बाकी के जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मेरे लेक्चर्स तो फॉलो करते ही हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह पर, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी के गाइस जो मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं मैं उनको UGC नेट के रिगार्डिंग अगर उन्हें जरूरत पड़ेगा तो मैं उन्हें गाइडेंस दे दूंगा, क्योंकि बहुत लड़के नेट वगैरह क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं जब मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में था तो वेरी फर्स्ट ईयर में मेरा नेट क्लियर हो गया था, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग में गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज मेंबरशिप के बाद ही है क्योंकि उसके बाद वो आपको वॉइस कॉल पे हेल्प की जरूरत होगी। बाकी गाइस दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपको कॉन्टेक्ट करना है, द नंबर इज 4x9999979129। तो गाइस इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा और इस पे आपको मेंबरशिप 351। देखिए गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी एडमिशन के रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेरी है कि एडमिशन कैसे होगा, क्या करना है, कहां जाना है, तो प्लीज आप कमेंट करिए। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप तभी करिएगा जब आपको मेंबरशिप लेनी हो, आपको नंबर पर कोई भी क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं की जाएगी। क्वेरी आपको सॉर्ट आउट करना है तो आपको दिल्ली वाइड की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप मेंबर 351 लिख के भेज देना, जो भी हमारे हेल्पलाइन पर जो भी लोग बैठे होंगे, जो भी डेली बैट्स के मेंबर्स पर अवेलेबल होंगे, आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा पेमेंट का, उस लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देना, फिर वो आपको डेली बैट्स की मेंबरशिप दी जाएगी। बाकी की फिर उसके बाद आपको वॉइस कॉल पर हेल्प की जरूरत है, असाइनमेंट चाहिए वो चाहिए वो सारी चीज मिलेगी। बाकी कोई भी शॉर्ट क्वेरीज है गाइज तो उसके लिए आप कॉमेंट करिए, जो भी कुछ रहेगा आपको सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। ओके गाइज, तो मुझे लगता है कि आपको इग्नू का एक बेसिक एडमिशन प्रोसीजर समझ में आया होगा। बाकी टाइम टू टाइम जो भी इग्नू के अपडेट्स हैं वो चैनल पर डालते रहा जाएगा और आप समझ सकते हैं उन सब चीजों को। टिल देन ओके गाइस, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।